हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक एआई है आजकल, मतलब चैट जीपीआई क्या ही बोलो। सब सब स्टूडेंट हो या बिजनेस में हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो, सब कोई चैट जीपीटी के बारे में ही बात कर रहा है। और चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे क्यों ना, क्योंकि ये एक मोस्ट एडवांस एआई है जो काफी, मतलब बहुत सारे चीजों के लिए एकदम सुटेबल और परफेक्ट, इवन गूगल से बेटर आंसर प्रोवाइड करता है। और जो हम लोग आंसर सोचते हैं वही आंसर वो देता है। तो इसलिए हम लोग आज चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि चैट जीपीटी हम लोग को क्या क्या फायदा दे सकता है, उसके क्या क्या नुकसान हैं। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि मतलब हम लोग कैसे उससे मतलब बच्चे एंड खास करके जो स्टूडेंट हैं जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने कैरियर्स, वो लोग इससे कैसे बचे, ये भी देखेंगे। और एक चीज डिस्क्लेमर मैं बता दूं यहाँ पे कि ये मैं जो पीपीटी बनाया हूँ वो भी चैट जीपीटी के हेल्प से ही बनाया हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाया। क्योंकि देखिए कि एक चैट जीपीटी, हम लोग सिर्फ एक वर्ड डाले कि मेरे को चैट जीपीटी के बारे में पीपीटी बनाना है, तो वो मेरे को सारे कॉन्टेंट दे दिया कि ये पॉइंट रखिए, आपके पीपीटी बहुत अच्छे बनेंगे। तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे किया, फिर हम लोग इस पर साइन अप लॉग इन सब चीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी क्या है? एक एआई है, जैसे पहले मैंने बताया। तो देखिए, चैट जीपीटी इज एन एआई लैंग्वेज मॉडल डेवलप बाय ओपन एआई। ओपन एआई एक कंपनी है जो क्या करती है, एआई मॉडल बनाती है, बहुत सारे एआई उसने बनाया हुआ है। ठीक है, उसी एआई में से एक है चैट जीपीटी। आप बहुत सारे एआई देखेंगे, बहुत सारे ऐसे मतलब ग्राफिक्स डिजाइनर, बहुत सारे ग्राफिक्स डिजाइनर एआई यूज करके फोटोज बना रहे हैं। जैसे अभी इंटरनेट पे बहुत सारे फोटोज वायरल चल रहे हैं कि ये मतलब लास्ट सेल्फी टेकन बाय ह्यूमन, ये सब सारी चीजें चल रही है। तो उसी तरह चैट जीपीटी क्या है, एक ओपन एआई है जिससे हम लोग टॉक कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं, वो भी टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपना कुछ भी क्वेश्चन इनपुट करें, वो टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग को आंसर देगा। तो अब देखिए इसके क्या क्या की फीचर्स है। लार्ज स्केल प्री ट्रेंड ऑन मैसिव क्रॉप्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करता है, एआई कैसे काम करता है। ठीक है, मान लेते हैं ये एआई मॉडल है। ठीक है, ये एक एआई है। ठीक है, जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अब एआई क्या करता है, एआई को ट्रेन किया जाता है। सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक चैटबॉट लेते हैं। ठीक है, चैटबॉट पे क्या होता है, हम लोग को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ऑप्शन वन, ठीक है, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, एंड इस सारे ऑप्शन के बेसिस पे हम लोग को कुछ फिक्स्ड आउटपुट होते हैं। जो हम लोग इसके लिए आउटपुट वन मिलेगा, इसके लिए आउटपुट टू मिलेगा, इसके लिए आउटपुट थ्री मिलेगा। ठीक है, ये सबके लिए एक एक फिक्स्ड आउटपुट होता है जो हम लोग एक फिक्स्ड टर्म पे इनको दिए रहते हैं कि हाँ, अगर कोई यूजर ये वन सेलेक्ट कर रहा है तो हमको ये आउटपुट वन देना है, टू सेलेक्ट कर रहा है तो आउटपुट टू देना है, थ्री सेलेक्ट कर रहा है तो आउटपुट थ्री देना है। उसी तरह एआई को क्या करते हैं, हम लोग ट्रेन करते हैं। ट्रेन करते हैं कि कुछ इनपुट देते हैं इनपुट, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ उससे एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग जैसे उसको ट्रेन करते हैं कि हम लोग एक एक्यूरेट जो आउटपुट है वो हम लोग प्रिडिक्ट कर सके। ये एक प्रिडिक्शन लाइक क्या करते हैं, हम लोग इनपुट देके उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि ये होगा तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह एआई हम लोग का क्या करता है कि हम लोग जो इनपुट देते हैं उसको, वो इनपुट को वो क्या करता है, मॉनिटर करता है। इनपुट को वो लेके अपने को वो स्टडी करता है उसके ट्रेन मॉडल के हिसाब से, और उस मॉडल के हिसाब से वो हम लोग को एक स्पेसिफिक आंसर देता है या आउटपुट देता है। तो चैट जीपीटी भी क्या करता है, हम लोग कुछ भी इनपुट दे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 + 3 दे, तो अब हम लोग को पता है कि 2 + 3 = 5 होगा। तो हम लोग इसको ट्रेन किए कि अगर प्लस सिंबल है तो ये क्या करे, ऐड करके दे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोग को आउटपुट 5 देगा। बट हम लोग क्या कर सकते, ये एक ट्रेन मॉडल है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरफेयर कर भी कर सकते हैं, जैसे लाइक कि मतलब हम लोग इसको फुलिश कर सकते हैं। अगर हम लोग बोले कि नहीं, 2 + 3 = 5 नहीं होता है, 6 होता है, तो ये अपने डेटाबेस में नहीं, पार्टिकुलर हम लोग के लिए, मतलब अभी वेबसाइट में क्या होता है, कुकी होता है, वहां पे एक कुकी को स्टोर करता है, हम लोग जो भी चैट कर रहे हैं उसको हिस्ट्री के बेसिस पे वो स्टोर करता है। तो हम लोग बोले कि नहीं, 2 + 3 = 6 होता है, तो क्या करेगा, इसको बोलेगा कि सॉरी हम लोग सॉरी गलत है, हम 2 + 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, इस बेसिस पे हम लोग इसको फुलिश कर सकते हैं। तो एआई क्या है, एक ट्रेन मॉड्यूल है, एक ट्रेन मशीन है, जिसको हम लोग यूज करके हम लोग अपने आउटपुट या अपने लाइफ को और इजी बनाते हैं। और ये चैट जीपीटी,
ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी है जो अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे। अब देखेंगे हाउ चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ओपनएआई, ओपनएआई पहले ही हमने बताया था कि ओपनएआई क्या है, एक कंपनी है जो चैट जीपीटी को बनाया, चैट जीपीटी जो मॉड्यूल है या जो एआई है उसको ओपनएआई बनाया। तो हम लोग उस पर साइन अप करेंगे, ठीक है। मेरे पास पहले से एक अकाउंट है बट फिर भी हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे और साइन अप करेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि चैट जीपीटी का आर्किटेक्चर कैसा है, वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या करता है, कैसे इनपुट लेता है, एंड फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ वो कैसे डाटा प्रोसेस भी करता है, और उस सब एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे जैसे कि हम पिछले एग्जाम्पल में बताए थे 2 + 3 को 5 होता है, ये हम लोग जानते हैं, बट हम लोग उसको एक देंगे कि 2 + 3 = 6 होता है, तो वो हम लोग के फुलिश हो जाएगा, और फिर हम लोग अगर फिर भी 2 + 3 डालेंगे तो हम लोग को रिजल्ट 6 ही देगा। सिर्फ ये पार्टिकुलर हम लोग के लिए ही होगा क्योंकि ये कुकी, एक कुकी होता है जो वेबसाइट में स्टोर करता है हम लोग के सारे जो भी सेशन होते हैं, सेशन को स्टोर करता है, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको स्टोर करता है इंडेक्स डेटाबेस जो वेबसाइट सॉरी हर ब्राउजर में होता है उसमें स्टोर करता है, और उसी के हेल्प से, वो कुकी के हेल्प से ही हम लोग को क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके बारे में कुछ समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ओपन एआई पे साइन अप करते हैं, उसके बाद चैट जीपीटी को यूज करते हैं। तो चलिए ओपन एआई को यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन एआई, देखिए ओपन एआई, ओपन एआई इज अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, जो क्या करता है बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करता है, और उसके हिसाब से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाता है। देखिए जैसे डेल टू टू क्रिएट रियलिस्टिक इमेज, चैट जीपीटी ट्रेन अ मॉड्यूल विद द इंटरेस्ट प्ले ग्राउंड, एपीआई फॉर एक्सेसरी, न्यू एआई मॉड्यूल डेवलप बाई ओपन एआई। तो ये सब चीजें हैं, तो ओपन एआई यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओपन एआई का लोगो, और ये इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीआई रिसर्च। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीआई पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये है ओपन एआई का इंटरफेस, तो हम लोग चैट जीपीटी पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्राई करते हैं तो ट्राई चैट जीपीटी ओपन होगा, ये थोड़ा देर चेक करेगा कि हम लोग क्या जो सिक्योरिटी पर्पस है उसके हिसाब से ये चेक करेगा, एंड उसके बाद हम लोग को एक लॉग इन पेज देगा। यहाँ पे देखिए लॉग इन और साइन अप, अगर आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो लॉग इन कर लीजिए, नहीं बनाया तो साइन अप कीजिए। अब साइन अप के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेल से साइन अप कर सकते हैं, यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे उसका पासवर्ड और साइन अप हो जाएगा, ठीक है। बट और गूगल से भी या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट किसी चीज से भी कर सकते हैं, हम गूगल से करते हैं जो सबसे इजी होता है क्योंकि गूगल हम लोग का डायरेक्ट साइन अप ले लेता है। तो यहाँ से ये सारे डेटा फेच कर लेगा गूगल से एंड हम लोग का साइन अप कर देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। देखिए यहाँ पे आ गया साइन अप के लिए, यहाँ पे चेकिंग कर रहा है फिर से, उसके बाद आगे बढ़ेगा कुछ सेकंड में, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड वेट करता है, उसके बाद हम लोग को आगे प्रोसीड करता है। अब हम लोग को अपने बारे में बताना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो मैं अपने चैनल के नाम से रखता हूँ ग्रो विथ कोड, यहाँ पे आप अपना नंबर डालिए, ठीक है, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। तो हम अपना यहाँ पे जल्दी से नंबर डाल के, और इस स्टेप को मैं क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा, मैं अपना नंबर शो नहीं करना चाहता, और ओटीपी इसके बाद आएगा, तो ओटीपी आप इनपुट कर, ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा उसे आप डाल के इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ओटीपी के साथ वेरीफाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग को इंटरफेस देगा चैट जीपीटी का। उस इंटरफेस के पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को कुछ टूल बॉक्स, टूल किट दिया जिससे हम लोग जान सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस इज फ्री रिसर्च प्रीव्यू, ये फ्री रिसर्च है, चैट जीपीआई क्या है, एक ओपन सोर्स है और ये फ्री है, ओपन सोर्स नहीं करेंगे बट ये फ्री है, हम लोग इसको यूज फ्रीली यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। आवर गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन आवर ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम एंड मेक देम सेफ। ये क्या करता है कि ये हम लोग जैसे कोई भी रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट के हिसाब से हम लोग उसको फीडबैक देंगे, और फीडबैक के हिसाब से अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई बग निकाले, या फिर जैसे अभी हम लोग एक लिमिटेशन देखेंगे कि किसी भी नंबर को ऐड करने का, अगर हम लोग कुछ इनपुट देते हैं उस हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये सब आप नेक्स्ट कीजिए। फिर ये देखिए हाउ वी कलेक्ट कन्वर्जन मे बी रिव्यू बाई आवर एआई ट्रेनर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम, और जो हम लोग चैट करेंगे उसको कन्वर्जन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन बोलते हैं, सॉरी, कन्वर्सेशन को क्या करेंगे ये लोग रिकॉर्ड करेंगे एआई को और बेटर बनाने के लिए, इसको और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए इसको बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज देखिए यहाँ पे
क्लियरली मेंशन है, प्लीज डू नॉट शेयर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन योर कन्वर्सेशन। अब करें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे क्या हो गया, बैंक आईडी पासवर्ड, ठीक है, वो किसी भी टाइप का आपका पासवर्ड हो गया, ठीक है, बैंक से रिलेटेड डिटेल, ये कुछ भी जो आपके पर्सनल यूज जो आपको हानि पहुंचा सकता है, ठीक है, आपको के साथ फ्रॉड करा सकता है, उस चीज को यहाँ पे आप शेयर ना करें, ठीक है। खास करके आप अपने पासवर्ड और बैंकिंग रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर ना करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दिस सिस्टम इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर डायलॉग, लेट अस नो इफ यू पार्टिकुलर रिस्पॉन्स वॉज गुड और यूजफुल। आप देखिए ये क्या करेगा, हम लोग के हिसाब से हर एक जो भी चैट हम लोग करेंगे, जो भी इसको इनपुट देंगे, उस हिसाब से ये हम लोग आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, और हर रिजल्ट पे यहाँ पे थंब का सिंबल होगा, अप एंड डाउन। उस हिसाब से अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको अप थंब दीजिए, अगर खराब लगा तो डाउन थंब दीजिए। अगर आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे, इसके डिस्कॉर्ड खुद का अपना डिस्कॉर्ड सर्वर, देखिए यहाँ पे ओपन एआई डिस्कॉर्ड सर्वर इन्विटेशन, तो यहाँ पे आप ओपन एआई पे जा सकते हैं। अगर आपके आप अकाउंट है डिस्कॉर्ड पे तो आप डिस्कॉर्ड बना के वहां से कर सकते हैं। एक हम लेक्चर वीडियो और बनाएंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, और बहुत सारे कुछ यूजफुल आपको डिस्कॉर्ड के कुछ चैनल्स भी देंगे। तो चलिए अभी डिस्कॉर्ड पे डिस्कशन करते हैं। आप अगर डिस्कॉर्ड अकाउंट बनाए हैं, डिस्कॉर्ड के बारे में जानते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू करके आप अपना जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का तो ये हो गया डन। अब देखिए यहाँ पे न्यू चैट, हम लोग न्यू चैट कर सकते हैं। यहाँ पे डार्क मोड करना, डिस्कॉर्ड अपडेट एंड एफक्यू, लॉग आउट, ये सब चीजें। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म, अब क्वांटम कंप्यूटिंग को क्या करेगा, सिंपल टर्म में ये एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। फिर देखिए, गॉट एंड क्रेडिट आइडियाज फॉर क्रिएटिव आइडियाज फॉर 10 इयर्स ओल्ड बर्थडे, ठीक है, 10 ईयर ओल्ड बर्थडे के लिए आप क्या क्रिएटिव आइडियाज लगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, HTTP रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट से कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे चैट जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्टिंग लिखे कि हम लोग को HTTP रिक्वेस्ट पता चल जाए, ठीक है। फिर कैपेबिलिटी, रिमेंबर द यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। अब देखिए हम पहले ही बताए थे कि हम कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक, उस कन्वर्सेशन को ये क्या करता है, याद रखता है, ठीक है, याद इन द सेंस कि अपने टेम्प्रोरी डेटाबेस में सेव रखता है। जैसे ही हम लोग उस कन्वर्सेशन से रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रीवियस कन्वर्सेशन को लेगा और हम लोग को उसके हिसाब से आउटपुट देगा, ठीक है। अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन, अगर वो गलत इनपुट दिया, सॉरी आउटपुट दिया, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसे इनपुट दिए, उसके हिसाब से हम लोग एक्सपेक्टेड आउटपुट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला, तो हम लोग उसको भी और सिंप्लीफाइड वे में या और बेटर वे में हम लोग उसको लिखेंगे ताकि वो हम लोग को और बेटर आंसर दे सके। ट्रेन टू डिसिप्लिन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, अब देखिए जैसे कि ये क्या करता है, हम इन अप्रोप्रिएट जो रिक्वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको भी ये ट्रेन करता है ताकि एक प्रॉपर सा हम लोग को रिस्पॉन्स दे सके। अब इसके लिमिटेशन देखेंगे, लिमिटेशन में ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या है कि अब ये भी क्या है, एक ह्यूमन नहीं है कि ये सब चीज को प्रोसेस करेगा, ह्यूमन जैसे प्रोसेस करते हैं और उस थिंकिंग के जो, जैसे हम एक किसी इंसान से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम पूछे हाउ आर यू तो वो बोलेगा आई एम फाइन, तो ये क्या है, ह्यूमन अपने हिसाब से सोच के बताता है, बट ये क्या है? एक AI है, AI जो भी हम लोग इसको इनपुट दे रहे हैं तो वो ह्यूमन रिलेटेड आंसर कभी कभी इनपुट मतलब गलत भी दे सकता है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम लोग को चाहिए वो आंसर कभी कभी नहीं मिल सकता, तो हम लोग को स्पेसिफिक होना पड़ेगा उस केस में कि हम लोग एक स्पेसिफिक तरह से उसको एक्सप्लेन करें कि हमको यही चाहिए, ठीक है। मैं ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बेसिक कंटेंट, ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि आप कभी मान लीजिए वायरस क्रिएट करना चाहें या फिर कुछ ऐसे मतलब चीजें का डिमांड किए, तो वो वहां पे क्या करेगा, लिमिटेड कर देगा, आपको उसके आंसर नहीं दे सकता है उस केस में। लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट आफ्टर 2021, अब देखिए जैसे हम बोले पहले ही बताया था कि AI क्या होता है, एक ट्रेंड मॉड्यूल होता है। ट्रेंड मॉड्यूल मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, उसको एक दो मंथ लगा के उसको ट्रेंड करते हैं कि इस टाइप के इनपुट आए तो ये आंसर देना है, इस टाइप के अगर इनपुट आ रहे हैं तो ये आंसर देना है, ठीक है। तो उसी तरह ये भी ट्रेंड है, ये भी मॉड्यूल ट्रेंड किया गया, ये भी ChatGPT जो है ट्रेंड मॉड्यूल है, बट इसके भी लिमिटेशन है क्योंकि ये अभी तक 2021 तक का ही ट्रेंड किया गया, 2021 के पहले तक जो भी हम लोग इससे इन्फॉर्मेशन मांगे वो हम लोग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट 2021 से लेके आज तक 2023 के जनवरी तक ये क्या करेगा, जो भी हम लोग इससे आंसर मांगेंगे तो हो सकता है कुछ आंसर गलत भी दे, हो सकता है कुछ आंसर का आंसर ना भी दे, क्योंकि 2021 तक ही ये मॉडल ट्रेंड है, 2021 के बाद इसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड इसके पास ट्रेनिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं यूज करके, ठीक है। सबसे पहले
हम लोग देखिए, हम लोग सबसे पहले फाइव एनिमल्स नेम लिखते हैं। अब देखिए, राइट फाइव एनिमल्स नेम, एलिफेंट, लायन, टाइगर। अब देखिए यहां पे हम कहते हैं टाइगर इज नॉट एनिमल, ठीक है, माई अपोलॉजी, हियर आर फाइव एनिमल्स। अब देखिए यहां पे टाइगर रिमूव कर दिया, तो अब हम पूछते हैं टाइगर इज एनिमल, अब देखिए यहां पे क्या किया हम लोग, यहां पे बोले टाइगर इज नॉट एनिमल, तो ये क्या किया, माई अपोलॉजी, हियर आर फाइव। अब फिर पूछे टाइगर इज एनिमल, यस यू आर करेक्ट, टाइगर इज एन एनिमल। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे, हम लोग बोले कि ये टाइगर एक एनिमल है। अब सिंपल से हम लोग फिर करते हैं इसको, टाइगर इज नॉट एन एनिमल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई एम सॉरी डेट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, टाइगर इज मैमल एंड कंसिडर्ड एनिमल, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली फेड। यहाँ पे ये क्या किया बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी भी बोल रहा है कि ये एनिमल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक तरह से हम लोग इसको फुलिश बना रहे हैं कि हम लोग जो बात बोल रहे हैं, एक बार हम लोग ने बोला कि टाइगर एनिमल है, एक बार बोल रहे हैं टाइगर एनिमल नहीं है, तो ये कंफ्यूज हो जा रहा है कि हम स्टेटमेंट पे क्या लिखे। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे फुलिश बना सकते हैं। अब एक मीम, बहुत फेमस मीम चल रहा था, जैसे कि कुछ नंबर को ऐड करते हैं 3+4, ठीक है, तो 3+4 7 दिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 7 दिया, बट हम लोग लिखते हैं 3+4=9, ठीक है, नो 3+4=7। यहाँ पे हम लोग को अभी क्या हुआ, रिसेंट जो January 9 को ये अपडेट किया गया है, यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी January 9 वर्जन, तो यहाँ पे क्या किया गया, इस मॉडल को फिर से अपडेट किया गया, एंड यहाँ पे जो करेक्शन हम लोग करते थे तो वो क्या किया, यहाँ पे सही किया, बट हम लोग यहाँ पे लिखे 3+4=9, ठीक है, नो यहाँ पे देखिए 3+is=7 नॉट 9। तो यहाँ पे हम लोग को अब बताने लगा कि ये पहले क्या था कि अगर हम लोग 3+4 डालें तो वहां पे हम लोग को कुछ इनपुट, जैसे यहाँ पे 9 पे फुलिस कर रहे थे हम लोग कि 3+4=9, तो अब हम लोग को क्या किया गया है न्यू अपडेटेड वर्जन में, चैट जीपीटी Gen 9 को जो वर्जन अपडेट किया गया, जो न्यू वर्जन रिलीज किया गया, उसमें ये सब सारे बग्स फिक्स कर दिए गए हैं, जहाँ पे हम लोग फुलिस बनाते थे, बट कहीं कहीं पे हम लोग फुलिस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें टाइगर इज नॉट एनिमल, तो यहाँ पे क्या किया, हमने बोला कि टाइगर एनिमल नहीं है, तो ये टाइगर का नेम ही हटा दिया, यहाँ पे भी ये फुलिस बन गया। तो कुछ टर्म में ये फुलिस अभी भी बन रहा है, बट अभी भी इसको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, और जिसके हिसाब से ये ट्रेन हो जाएंगे तो और बेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हम लोग मैथ कर लिए, यहाँ पे कर लिए, ये एनिमल्स के बारे में जान लिए। अब हम लोग एक टॉपिक, जैसे अभी हमने बोला था क्या कि हमने जो पीपीटी प्रिपेयर किया था वो भी क्या किया था, चैट जीपीटी के मदद से प्रिपेयर किया था, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पीपीटी ऑन चैट जीपीटी, ठीक है, स्लाइड वन इंट्रोडक्शन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन व्हाट चैट जीपीटी इज पर्पज ऑफ, हाईलाइट द लैंग्वेज, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे बता रहा है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी, हाउ चैट जीपीटी वर्क, की फीचर्स टू चैट जीपीटी, ठीक है। देखिए अब ये करते डाउनवर्ड चलते चला जाएगा, डिस्कशन सम ऑफ द लिमिटेशन, ठीक है, कंक्लूजन, अब देखिए ये चैट जीपीटी अपने ऊपर एक पीपीटी का स्लाइड हमको बता दिया कि स्लाइड वन में ये कर सकते हैं, स्लाइड टू में ये, स्लाइड थ्री में ये, स्लाइड फोर में ये, 5, 6 ऐसे एक पीपीटी प्रिपेयर किया। अब हम लोग एक न्यू चैट करते हैं, न्यू चैट ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो न्यू चैट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को प्रीवियस चैट सेव हो जाता है कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से क्लियर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अगर हम लोग को ये नहीं चाहिए होता तो क्लियर कर दिए, ठीक है, कन्फर्म दो बार करेंगे, यहाँ पे देखिए कंफर्म किए तो यहाँ से वो चैट हटा चला गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक डेवलपर हूँ जो कि मैं कोडिंग से ज्यादा रिलेटेड स्टफ अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा कि राइट अ कोड,
राइट अ कोड टू फाइंड प्राइम नंबर इन पाइथन। अब देखिए यहां पे राइट अ कोड टू फाइंड प्राइम नंबर इन पाइथन। अब देखिए ये क्या करेगा कोड, और ये हम लोग को एक एग्जांपल भी देगा। जैसे यहां पे फंक्शन यूज करके दिया है डेफ इज प्राइम नंबर यहां पे, ठीक है। अब देखिए कि ये हम लोग का कोड हो गया। अगर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करें तो ये हम लोग को एग्जैक्ट आउटपुट देगा, बट अब हम चाहते हैं कि फंक्शन यूज ना करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसको कॉपी करेंगे, यहां पे पेस्ट किए। अब यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे विदाउट एनी फंक्शन, ठीक है। अब देखिए विदाउट एनी फंक्शन, अब ये क्या करेगा इसको फिर प्रोसेस करेगा और हम लोग को विदाउट एनी फंक्शन ये कोड हम लोग को एक लिख के देगा, ठीक है। देखिए यहां पे अभी तक ये प्रोसेस ही कर रहा है। देखिए विदाउट फंक्शन ये लिख के दे दिया, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं विद क्लास, तो ये पाइथन फंक्शन में क्लास यूज करके हम लोग को एक प्राइम नंबर फाइंड करने का दे देगा। तो ये रहा कोडिंग, यहां से हम लोग कोड भी कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ आइडियाज भी यहां से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, फिर हम एक न्यू चैट करते हैं क्योंकि ये कोडिंग का। अब हम लोग यहाँ पे जैसे एक हम चाहते हैं कि नहीं कुछ मेरे को आइडियाज चाहिए कुछ ब्लॉक्स लिखने के लिए, देखिए 10 आइडियाज ऑन सी प्रोग्रामिंग फॉर ब्लॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, पॉइंटर एंड मेमोरी इन सी प्रोग्रामिंग, फंक्शन एंड फंक्शन टाइप इन सी, सी डेटा टाइप्स इन सी। तो अब यहाँ पे ये सब चीजें करने लगा। अब हम लोग चाहते हैं कि फंक्शन पे तो इसको या फिर चलिए डाटा टाइप एंड वेरिएबल को लेते हैं, ठीक है। टाइटल फॉर, अब देखिए टाइटल फॉर ये कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सेंड करते हैं तो डेटा टाइप है वेरिएबल इन सी, अब इस पे टाइटल्स देगा, ठीक है, कुछ टाइटल्स जनरेट करेगा। ये अभी तक प्रोसेस ही कर रहा है। देखिए यहां पे लिख दिया मास्टरिंग डेटा टाइप एंड वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग, बट हम लोग को 5 सजेशन चाहिए। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, 5 टाइटल सजेशन फॉर डेटा टाइप वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। अब देखिए ये हम लोग को 5 देगा, देखते हैं कैसे कैसे ये आउटपुट देता है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस किया और उसके बाद हम लोग को दिया था फंडामेंटल ऑफ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल इन सी। अब देखिए हम कोई एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी किए, राइट अ ब्लॉग ऑन, मैंने ये ब्लॉग का एक दे दिया। अब मैं क्या करूंगा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि जल्दी से ये जितने भी ब्लॉग लिखे उसको जल्दी से ये प्रोसेस करके और लिख दे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा देर वेट ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे ये जनरेट कर दिया एक ब्लॉग, डेटा टाइप वेरिएबल इन सी एसेंशियल कॉन्सेप्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस, यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर डेटा टाइप वेरिएबल्स, यहाँ पे कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर एक वेरिएबल का एग्जांपल भी लिया, फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है ये, फिर ये अपना कंक्लूजन तक भी दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हेल्पफुल है। हम लोग को सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, उसके बाद हम लोग को उस सेंटेंस के रिलेटेड वो हम लोग को एक ब्लॉग भी जनरेट कर दिया जो हम लोग सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करें, तो हम लोग को ब्लॉग भी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 10 आइडियाज फॉर यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 आइडियाज भी हम लोग को दे देगा, कोडिंग ट्यूटोरियल ऑन वर्क टू टेक रिव्यू एंड कंपनीज हाउ टू गाइड सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी करियर एडवाइस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या किया है, मैक्सिमम जो भी हम लोग को दिया है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रामिंग जो भी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं,
इसलिए जो भी हम लोग को दिया यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और चीज करते हैं, ठीक है, जैसे इसको हम लोग किया कि कॉपी किए, न्यू चैट किए, अब हम लोग पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ और देगा, व्लॉगिंग, फूड एंड कुकिंग, टेक्नोलॉजी, फैशन, ट्रेवल ब्लॉग, डाई एंड क्राफ्टिंग। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कुछ और दिया, बट जब इसके इसके रिस्पेक्टिव में हम शायद यहाँ पे कुछ ब्लीच है, तो या तो हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ देखिए रिफ्रेश करने पे आ जाता, कभी कभी ब्लीच हो जाता क्योंकि एट अ टाइम ये चैट जीपीटी को बहुत कोई यूज करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम लोग को 10 आइडिया जो भी दिया, कोडिंग, टेक रिव्यू, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, करियर एडवाइस, सर्च ऑन द टेक प्रोफेशनल, इंटरव्यू एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सप्लोरिंग न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिंग टाइम मैनेजमेंट फॉर टेक प्रोफेशनल, इंस्पिरेशन मोटिवेशन फॉर टेक, जो भी दिया यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग को टेक से रिलेटेड यहाँ पे दिया। बट जब हम लोग एक न्यू यहाँ पे चैट खोले जहाँ पे हम लोग ने सिर्फ दिया 10 आइडियाज फॉर, तो यहाँ पे दे रहा ब्लॉगिंग, फूड एंड कुकिंग ट्यूटोरियल्स, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट रिव्यू, फैशन एंड ब्यूटी, तो यहाँ पे सिर्फ जो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी चल रहे, सॉरी रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं यूट्यूब पे के लिए, जिसको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, जिसके मतलब लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं देखना, उसके रिलेटेड ही यहाँ पे हम लोग को 10 आइडियाज दिया है, ठीक है। अगर हम लोग इससे पूछे 10 आइडियाज फॉर स्टार्टअप, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 10 आइडियाज स्टार्टअप के लिए भी दे देगा। अभी ये प्रोसेस कर रहा है, कभी कभी क्या होता है प्रोसेसिंग इसके बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो देखिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑन डिमांडिंग डिलीवरी सर्विस, हेल्थ एंड अवेयरनेस, एआई पावरफुल कस्टम सर्विस, एडटेक एंड ऑनलाइन टेक, रेवेन्यू, एनर्जी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी चल रही है, रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं स्टार्टअप्स में, उसी से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे आइडियाज दिया है कि हम लोग कैसे ये आइडियाज कर सके, ठीक है। अब देखिए हाउ टू स्टार्ट कंपनी ऑन इस टॉपिक पे, देखिए स्टार्टिंग अ कंपनी ऑन हेल्थ, देखिए अब यहाँ पे हम लोग को इस पे भी बता दिया कि क्या क्या हम लोग को करने चाहिए, क्या क्या इसेंशियल्स है, सब चीजें हम लोग को बता देना। अब देखिए इससे हम लोग के काम बहुत इजी हो गए, बहुत इजी हो गए, ठीक है। हर चीज ये हम लोग को यहाँ पे एक्यूरेट डेटा दे रहा है, जैसे अगर गूगल पे हम लोग सर्च करें फॉर एग्जाम्पल, सेम चीज हम लोग ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट कंपनी। अभी इसको प्रोसेसिंग करने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग को कुछ लिंक्स मिले जो जिसमें ये अब हम लोग को ये लिंक्स ओपन करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग के कुछ काम के हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, फिर इसमें हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग दूसरा खोलेंगे, इसको अगर ओपन किए, ठीक है, तो हर बार हम लोग को बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे चीजें पे विजिट करना पड़ता। बट चैट जीपीटी क्या कर रहा है, हम लोग को एक ही प्लेस पे एकदम एक्यूरेट जो हम लोग को चाहिए वो चीज मिल जाए। अगर हम लोग को ये आंसर पसंद नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग नहीं चाहते, तो यहाँ पे हम लोग रीजनरेट रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। रीजनरेट रिस्पॉन्स में ये क्या करेगा, हम लोग को एक स्टार्टिंग न्यू रिस्पॉन्स देगा, जो हम लोग को रिस्पॉन्स हो सकता है ये पसंद है, हो सकता है नहीं भी पसंद है, तो फिर से हम लोग न्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज और मैं बताया था, इसको खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम उसको बताएंगे कि हाँ क्या क्या और फीचर्स जो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग रिजनरेट किए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बैक जा सकते हैं, इससे बैक जाए कि ये पहला हम लोग का रिस्पॉन्स है, ये न्यू रिस्पॉन्स है। यहाँ पे देखिए हम लोग को जो रिस्पॉन्स अच्छा लगा उसको हम लोग यहाँ से लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको लाइक किए तो हम लोग इसको फीडबैक देना चाहते हैं कि हम लोग को क्यों पसंद आया, तो हम लोग उस हिसाब से फीडबैक देकर सबमिट कर देंगे, तो ये हम लोग को क्या होगा कि लाइक हो जाएगा और जो भी इसके मतलब ओपन एआई है उनको फीडबैक जाएगा, और उस हिसाब से अगर हम लोग को डिसलाइक लगा, हम लोग को खराब लगा कि इसका रिस्पॉन्स ये वाला बेटर नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर से पीपीटी पे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, लोग साइनअप भी देखे, लोग लॉग इन भी देखे, लोग एक्सप्लेनिंग चैट जीपीटी का आर्किटेक्चर भी देखे, लोग हाउ इट प्रोसेस, हम लोग का प्रोसेस कैसे डाटा का करता है, एग्जाम्पल भी देखे लोग, और इस हिसाब से हम लोग चैट जीपीटी के बारे में समझे लोग, ठीक है। तो चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है और हम लोग के लाइफ में क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ चैट जीपीटी। एडवांटेज ये है कि हम लोग को बहुत सारे चीजों में हेल्प कर रहा है, और एआई हम लोग इसलिए ही बिल्ड करते हैं, एआई क्या करता है हम लोग को
हर चीज जो हम लोग पहले, अगर हमको फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी पे हमको एक वीडियो बनाना था, ठीक है, तो हमने सिंपल सा गया चैट जीपीटी पे, लिखा कि पीपीटी फॉर चैट जीपीटी, वो हमको एक सारे कंटेंट दे दिया और अप्रोप्रिएट कंटेंट दिया जो हमने वहां से लिख के कॉट कॉपी पेस्ट किया और मैंने ये वीडियो बना दिया, ठीक है। बट अगर हम चैट जीपीटी का यूज नहीं करते तो फिर क्या होता, मैं बहुत सारे ब्लॉग्स पे जाता, बहुत सारे वीडियोस पे जाता जहां से मैं रिसर्च करता, रिसर्च करके मैं उसको लाता और उसके बाद मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता, ठीक है। तो मेरा टाइम टेकिंग होता, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता, क्योंकि मेरे को 8 से 10 ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते कि क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, कैसे वर्क करता है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सारी चीजों को देखना पड़ता। उसके बाद मेरे को कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो मैं क्या करता, जाता यूट्यूब पे, यूट्यूब पे फिर सारे बहुत सारे वीडियोस देखता, और फिर वहां से नहीं होता तो मैं किसी सीनियर से हेल्प लेता, बहुत सारी चीजें मेरे को करनी पड़ती जो कि एक रिसर्च का प्रोसेस होता है और उस रिसर्च प्रोसेस से मैं गुजरता, ठीक। उसके बाद बट जब चैट जीपीटी मेरे पास है तो फिर मेरे को टेंशन किस बात की, मैं सिंपल सा जाऊंगा चैट जीपीटी पे, जो मेरे को चाहिए वो मैं लिखूंगा और चैट जीपीटी क्या करेगा, मेरे को आउटपुट दे देगा। तो मेरा क्या क्या हुआ, टाइम टेकिंग कम हुआ, जो मैं रिसर्च करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट करता वो सारे रिसर्च को ये खत्म कर दिया। अब मैं सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा, उसके हिसाब से मेरे को सारे ये पीपीटी के आइडियाज आ गए और मैं सारे पीपीटी बना लिया, ठीक है। ये था, तो ये क्या कर रहा है, हम लोग को टाइम कम कर रहा है, ठीक है, और ये हम लोग को एक एक्यूरेट डेटा दे रहा है, ये नहीं कि बहुत सारे इधर उधर के डेटा नहीं दे रहा, हम लोग को सिर्फ एक एक्यूरेट डेटा दे रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लिमिटेशन क्या है, ये बहुत टाइम क्या करता है कि एक्यूरेट डेटा नहीं दे पाता, जो हम लोग को चाहिए वो डेटा ये नहीं प्रोवाइड कर पाता बहुत टाइम, जो क्योंकि ये इसलिए दिक्कत आती है, कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि जो चीज अभी रिसेंट में चल रही है उसके हिसाब से हम लोग उस मॉड्यूल को चैट जीपीटी को ट्रेन नहीं किया गया है। तो अगर चैट जीपीटी को जैसे पहले ही वहां पे बताया क्या था कि 2021 के बाद के हिसाब से इसके पास नॉलेज कम है, मतलब नॉलेज कम होने का मतलब कि इसको उस हिसाब से ट्रेन नहीं किया गया। जब उस हिसाब से ट्रेन नहीं किया गया है तो वो कभी कभी हम लोग को इनअप्रोप्रिएट डेटा भी देगा। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग जो आउटपुट के साथ हम लोग इसको फुलिश कर देते हैं, जैसे कि हमने बोला कि टाइगर इज नॉट एनिमल, तो वो क्या किया, टाइगर को लिस्ट से हटा दिया, तो वहां पे क्या हो गया, इसको हम लोग फुलिश किए, हम लोग अपने इनपुट के हिसाब से इसको हम लोग मॉडिफाई कर दिए, इसको मॉडिफाई होने पे मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि टाइगर एनिमल नहीं है, तो अब क्या कि ये समझ गया कि टाइगर एनिमल नहीं है और वो चला जा रहा है। आपको एक मीम भी मैंने बोला था कि बहुत पहले एक मीम चल रहा था जहां पे नंबर को ऐड किया जा रहा था और बोल दिया जा रहा था कि दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये क्या कर रहा था, उसके रेस्ट आउटपुट दे रहा था, तो उस हिसाब से भी हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते थे। बट अभी जो रिसेंट वाला जो इसका वर्जन रिलीज हुआ, जिसको शायद वर्जन 4 भी बोला जा रहा है, तो वर्जन 4 काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका है, काफी ज्यादा पहले जो हम लोग जितने भी वर्जन 3 में ड्रॉबैक थे, जितने भी वर्जन 3 में हम लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे थे, वो सारे मैनिपुलेशन को वो फीडबैक के तौर पे लिया एंड उसको इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करके एक बेटर चैट जीपीटी बनाया। बट अब आते हैं कुछ इसके कंक्लूजन पे, मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू है, ये डिफर कर सकते हैं सबके पॉइंट्स ऑफ व्यू, बट ये मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू है, तो इसलिए मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू को सिर्फ देखिए, समझिए और जानिए, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बेस्ट AI मॉडल है बट एट अ टाइम वर्स्ट भी है, क्योंकि बेस्ट इसलिए है कि हम लोग को जो भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो चीज भी चाहिए हम लोग को एक सेकेंड में हम लोग को सब चीज प्रोवाइड कर दे रहा है, हमारा टाइम सबसे ज्यादा सेव कर रहा है, हर चीज को हम लोग रिसर्च जो भी करते थे वो सब चीजों से हम लोग को बचा रहा है और हम लोग का टाइम सेव कर रहा है। बट दूसरी जगह पे इसको अगर हम देखें तो हम लोग जो रिसर्च करने में टाइम वेस्ट करते थे, उस टाइम वेस्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते थे, बहुत सारी नई चीजें सीखते थे जो हो सकता था हम लोग को इससे रिलेटेड काम ना हो, बट वो चीज भी हम लोग जान जाते थे। बट अब क्या हुआ, वो सब चीजें हम नहीं जानेंगे, जो चीज हम लोग को चाहिए बस वो मिलता, हम लोग उससे खुश हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे, हम लोग को कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने गया ठीक है, हमको चाहिए कि एक कोड लिखना है, तो हम एक कोड की जगह पे फंस गए जहाँ पे हम बग उसके फिक्स नहीं कर पा रहे, तो पहले क्या था कि हम लोग बग फिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि उसको कोड को रिराइट करते थे या फिर उस कोड को स्टडी करेंगे, पता करेंगे कि बग कहाँ है, उस हिसाब से हम लोग उसको फिक्स करते थे। बट अभी क्या, चैट जीपीटी, हम लोग कोड में बग आया, ठीक है, हम लोग उसको फिक्स करने के बजाय हम लोग को जो चाहिए हम लोग ने चैट जीपीटी पे लिखा और वो क्या किया, हम लोग को उसका आंसर दे दिया।
तो वहां पे हम लोग क्या हो गया, एक फुलिस बन गए, क्योंकि हम लोग जो सीखना चाहते थे वो नहीं सीख रहे, डायरेक्ट हम लोग को आंसर मिल रहा है, हम लोग उसको कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए एट अ टाइम वर्स्ट भी है और एट अ टाइम फायदे भी है। और खास करके जो लर्नर है, जो खास करके जो स्टूडेंट है, अभी के स्टूडेंट है, उनको मैं ये चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि चैट जीपीटी पे कभी भी कुछ ना सर्च करें। चैट जीपीटी पे वही चीज सर्च करें जो मतलब बहुत नेसेसरी है, आपको अब लास्ट ऑप्शन है कि अब मेरे से नहीं पॉसिबल है तो हम चैट जीपीटी भी जा सकते हैं, बट उसको फर्स्ट ऑप्शन ना बनाए, क्योंकि आप अगर फर्स्ट ऑप्शन बनाते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ ना सीख पाए। जो चीज जैसे मेरे को अगर सी प्रोग्रामिंग सीखना, मैंने सी प्रोग्रामिंग लिखा, वो सारे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू दे दिया, मैं वहां से मैं एक कोड लिखने गया, जैसे कि व्हाइल लूप यूज कर रहा, तो व्हाइल लूप यूज करने जा रहा हूं, तो अब मेरे को व्हाइल लूप के बारे में पता है, तो मैं उस कोड लिखने गया, अब मेरे को क्या हुआ, कोड लिखने में दिक्कतें आ रही है, तो मैं जो चाहता था, मैं जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा था, उस आउटपुट को मैं वहां पे चैट जीपीटी पे लिखूंगा और वो चैट जीपीटी मेरे को उसके हिसाब से प्रोग्राम लिख के व्हाइल लूप में दे देगा। तो अब क्या हुआ, मैं जो अपने माइंड यूज करके, मैं जो अपना पेशेंस या फोर जो रिसर्च, जो सब चीजें यूज करके मैं जो नॉलेज गैदर करता, वो सब मैं गैदर नहीं कर पाऊंगा। अब डायरेक्ट गया चैट जीपीटी पे, लिखा कि मेरे को व्हाइल लूप का एक प्रोग्रामिंग दो जो जो ये आउटपुट मेरे को दे सके, अब उसने मेरे को दे दिया, मैंने उसको कट कॉपी पेस्ट किया और हो गया। अभी तो चैट जीपीटी के यहां तक भी यूजर्स देख रहे हैं कि चैट जीपीटी रिसेंटली आईबीएम के एग्जाम को क्रैक कर दिया है। मतलब अगर हम लोग इस पे एग्जाम के टाइम में आंसर्स सारे अपलोड करें तो, सॉरी क्वेश्चन सारे अपलोड करें तो मेरे को हम लोग को आंसर्स भी दे दे रहा है। यहां तक कि बहुत सारे, जैसे बेंगलोर में रिसेंटली चैट जीपीटी को बैन करने के लिए डिमांड किया गया है, या शायद बैन भी हो चुका, क्योंकि वहां पे एग्जाम में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी के यूज करके आंसर दे रहे हैं। तो अब देखिए, ये एक टाइम पे हम लोग को बहुत ज्यादा खराबी भी कर रहा है, क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते थे, बट अब चैट जीपीटी है, नहीं हम लोग एग्जाम जाएंगे वहां पे चैट जीपीटी पे क्वेश्चन लिखेंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, हम लोग को पढ़ने से भी वंचित कर रहा है, पढ़ने भी नहीं दे रहा। तो इसलिए हम लोग, ये टेक्नोलॉजी एक सबसे गुड है अगर हम लोग इसको अच्छे पर्पज के लिए यूज करें। जैसे कि अब हम लोग को कुछ नहीं, मतलब कहीं पे जो आंसर चाहिए था हम लोग बहुत रिसर्च किए नहीं मिला, टाइम टेकिंग हद से ज्यादा हो गया। जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखना है या फिर हम लोग कुछ ब्लॉग लिखना चाहते हैं, अब ब्लॉग के लिए बहुत सारे नॉलेज गैदर की, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी चीजें मिल गई, अब हम वहां से नॉलेज गैदर कर चुके हैं, ठीक है, अब हम लोग उसको लिखना चाहते हैं, बट लिखने टाइम में हम लोग को कुछ दिक्कतें आ रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अगर एक से दो दिन में सॉल्व नहीं हो पाए तब हम लोग चैट जीपीटी, इसको लास्ट ऑप्शन रखिए, इसको फर्स्ट ऑप्शन कभी मत बनाइए, क्योंकि आपको खास करके लर्नर स्टेज में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली होंगी, ठीक है। तो ये मेरा कंक्लूजन था, क्योंकि ये मेरी सोच है कि बहुत सारी जगह पे बहुत किसी को बहुत लेजी बना दे रहा है एआई, क्या कर रहे हैं जनरली, हर चीज को, हर इंसान को लेजी बना रहे हैं। अब एआई मॉडल जो ट्रेंड हो रहे हैं वो सारी एक्यूरेट काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें एक्यूरेट करते जा रही है, ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेट वो एआई मॉडल कर रहे हैं, बट वहां पे उनके मार्जिन ऑफ एरर निग्लिजिबल हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन के रिस्पेक्टिव में। तो वो क्या कर रहे हैं, इंसान को लेजी भी बना रहे हैं और दूसरी चीज में इंसान की जो ह्यूमन पावर है उसको भी खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए मैं ये तो बोलूंगा कि आप लोग एआई यूज करें, एआई गलत नहीं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू ट्रेंड है, एआई यूज करने चाहिए, बट आप लोग उसी हिसाब से यूज करें कि ये आपको मतलब हानि ना पहुंचा सके या आपके मतलब लाइफ के साथ ना खेल सके। जैसे अभी स्टूडेंट कर रहे हैं, इसको यूज करके अपने एग्जाम दे रहे हैं, अपने कोड लिख रहे हैं, अपने अलग काम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट के लाइफ पे, उनके करियर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वैसे यूज ना करें, ठीक है। थैंक यू, यहीं पे हम इस चैट जीपीटी के वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू।